नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों पर। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी सूर्य की, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा की। ग्रहों के कुछ बेसिक स्वभाव की बात करेंगे, उनके कंटेंट्स की बात करेंगे, उसकी खराब अच्छी स्थिति के बारे में बात करेंगे, उसकी बहुत खराब स्थिति के बारे में बात करेंगे। कुछ ये भी बात करेंगे कि सिम्टम्स के आधार पे किसी भी ग्रह की अच्छी या खराब स्थिति को कैसे पहचाना जा सकता है, वो हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा या नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ सिम्टम्स के आधार पर चर्चा करेंगे, कुछ घटनाओं के आधार पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में सूर्य के बारे में जैसे हमने बात करी थी, वैसे ही हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं चंद्रमा है क्या। चंद्रमा हमारी भचक्र का, हमारी यूनिवर्स का, हमारी गैलेक्सी का एक उपग्रह होता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारे जीवन में चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारी सृष्टि में भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। सृष्टि में कैसे, जैसे आपने सभी अच्छी भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि ज्वार भाटा जो आते हैं समुद्र में, वो बेसिकली चंद्रमा के कारण आते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों का रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो चंद्रमा का रोल होता है। सबसे ज़्यादा क्यों होता है चंद्रमा का रोल, क्योंकि जो ज्वार भाटा आने का कारण है या फिर जो समय है वो पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और नवमी, इस दिन सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए, वैसे अगर बहुत अगर सूक्ष्म जाएंगे तो ज्वार भाटा भी जो आते हैं वो कई जगह पे तो बहुत जल्दी जल्दी भी रिपीट करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली भी अगर देखें तो ज्वार भाटा का आने का जो कारण है, जो रीज़न है, वो चंद्रमा की स्थिति ही है। इसलिए ये इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो कि चंद्रमा हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, हमारी सृष्टि पे डालता है, मानव जीवन पे डालता है। अभी जैसे हमने बात करी थी समुद्र पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है चंद्रमा का। इफेक्ट समुद्र पे होने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जल तत्व पे चंद्रमा का बड़ा सीधा सा प्रभाव पड़ता है। हमारी जब एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो कारक होता है वो जल तत्व का ही कारक होता है, जल तत्व का कारक होता है, इसलिए जल तत्व को डायरेक्टली ये इफेक्ट करता है। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा आने की। ह्यूमन बॉडी पे कैसे करता है, क्योंकि इन जनरल भी अगर देखें तो हमारी बॉडी में भी लगभग मोर देन 50% जल तत्व होता है, तो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करता है। शास्त्रों की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो वहाँ बताया गया है कि बच्चों पे इफेक्ट जो होता है चंद्रमा का वो सबसे ज़्यादा होता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका भी 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% जो परसेंटेज होती है वो जल की होती है उसकी बॉडी में। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो छोटे बच्चों को करता है, महिलाओं को करता है, यानी जो जल तत्व से संबंधित चीज़ है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो चंद्रमा ही करता है। इसी तरह से अब हम चलिए हम अब सीधे आते हैं अपने विषय पर। ये आपने जान लिया कि चंद्रमा हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। चंद्रमा के कंटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमने एपिसोड नंबर 3 में बात करी थी उससे आगे हम चर्चा करेंगे, उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाएंगे, उनसे आगे हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा बेसिकली एक तो जल तत्व है, अभी बहुत लंबी चर्चा उससे की है, जल तत्व है। ये कविता का कारक है, कविता मतलब पोइट्री मतलब विचार मतलब पॉजिटिवली जो विचार वर्क कर रहे हैं मेरे दिमाग में, जो सोच है, जो हमारी सोच को शब्द देने का काम जो करता है वो चंद्रमा करता है। सोच को, हमारे विचारों को, देखिए अच्छा और ख़राब चंद्रमा कैसे हो जाता है, हमारे अच्छा और ख़राब होने की जो स्थिति होती है वो विचारों पे कंट्रोल चंद्रमा कराता है।
आपको पता है कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग, जिनको हम पागल कहते हैं, वो पागल होने का कारण क्या होता है? पागल होने का कारण होता है कि उनके अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वो पागल होते हैं। हमारे जो दिमाग में, एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में 2 से 3 विचार एक बार में चलते हैं, है ना? 2 तो चलते ही हैं, 2 से 3 विचार एक बार में चलते हैं, जिसको कि हमारी बॉडी, हमारा दिमाग मैनेज कर लेता है, उसको डील कर लेता है बेसिकली 2 से 3 विचारों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बुद्धिमान हैं। हमसे मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति उसको मैनेज कर लेता है वो बुद्धिमान होता है। लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो पागलपन वाली स्थिति होती है, वो क्या होता है कि 5 से 6 विचार चल रहे होते हैं और उस पे विचारों पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। ये चंद्रमा है, पागलपन जो देता है वो चंद्रमा देता है। तो अपने विचारों पे कंट्रोल ना होना खराब चंद्रमा है, अपने विचारों पे कंट्रोल होना अच्छा चंद्रमा है, ठीक है? तो इसीलिए कविता की जो बात कर रहे हैं हम, पोएट्री की बात कर रहे हैं, वो चंद्रमा कराता है। लेखन से मतलब नहीं है। देखिए, साहित्य कराएगा गुरु, साहित्य की जो गतिविधि कराता है वो गुरु कराता है, लेकिन कविता जो कराता है, पोएट्री जो कराता है, वो चंद्रमा कराता है। चांदी का कारक ग्रह होता है, जो सिल्वर होती है उसका कारक ग्रह होता है। सफ़ेद फूल होते हैं, फूल वैसे सभी तरह के, लेकिन स्पेशली जो सफ़ेद फूल होते हैं वो चंद्रमा दिखाता है। यहाँ पे वो हम वही चीज़ ले रहे हैं जिसमें कि हमने एपिसोड नंबर 3 में बात नहीं करी थी, उन चीज़ों को शामिल किया गया है इसमें। समुद्र से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि शंख हो गया, मोती हो गया, है ना? नमकीन पानी जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है उसको, नमकीन पानी को। जो हमारी नींद, सोना, नींद जो होती है वो चंद्रमा देता है। एक अच्छी नींद देना चंद्रमा का काम होता है, नींद ना आना भी चंद्रमा का काम होता है। नींद ना आना मतलब खराब चंद्रमा, नींद अच्छी आना मतलब अच्छा चंद्रमा। जो हमारी बॉडी में आलस्य होता है वो चंद्रमा देता है। हृदय या लंग्स का कारक ग्रह होता है, लंग्स बॉडी में चंद्रमा से होती है, लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। सुख का कारक ग्रह होता है, जो हम सुख सुविधाएं जो होती हैं हमारे जीवन में, उसको सुविधाएं तो नहीं कहेंगे, हाँ सुख का कारण, मेंटली सेटिस्फैक्शन, सुख के मामले में मेंटली सेटिस्फैक्शन जो देता है वो चंद्रमा देता है। बीमारी की बात करें तो जैसे अभी बात करी थी सर्दी जुकाम से संबंधित, है ना, लंग से रिलेटेड है और सर्दी जुकाम से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें होंगी वो चंद्रमा करती है। बहुत बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन का कारक होता है चंद्रमा, परिवर्तन देता है। परिवर्तन का मतलब सर्दी जुकाम भी क्या होता है कि बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसका जो इफ़ेक्ट्स होता है वो सर्दी जुकाम के रूप में होता है, उसका कारक चंद्रमा बन जाता है। यात्राओं का कारक है, उद्देश्यपूर्ण यात्राएँ चंद्रमा कराता है। फालतू की यात्राएं या फिर बेकार की यात्राएं या यूजलेस यात्राएं जो कराता है वो केतु कराता है। लेकिन फ्रूटफुल यात्राएं हो गई, पॉजिटिव यात्राएं हो गई, उसका कारक चंद्रमा है। जल स्रोत जितने भी होते हैं वो चंद्रमा उसका कारक होता है, जैसे कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, तालाब हो गया, है ना, और ये इन चीज़ों का कारक चंद्रमा हो गया। स्पेशली फिर भी जब लिटरेचर की बात करते हैं वहाँ तो कुएं पे बड़ा जोर दिया गया है। कुआं जो होता है वो चंद्रमा का एक प्रमुख कारक होता है, कुआं। और टीबी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो, टीबी जो अब तो इतना बहुत ज़्यादा है उसका इफेक्ट नहीं है टीबी का, एक समय में टीबी एक बहुत गंभीर बीमारी में हुआ करती थी, लाइलाज बीमारियों में हुआ करती थी, उसका कारक चंद्रमा है। मन का कारक ग्रह होता है, मन में जो विचार उठते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो सब चंद्रमा कराता है। मन की जो चंचलता होती है वो चंद्रमा देता है, मन में जो नेगेटिविटी होती है वो चंद्रमा देता है। मन और मनोबल दोनों का कारक चंद्रमा है। मन पे अगर कंट्रोल नहीं होगा
या मन पॉजिटिवली वर्क नहीं कर रहा होगा और मनोबल कमजोर होगा तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। तो आत्महत्या कौन कराता है? चंद्रमा कराता है। खूबसूरती जो होती है, व्यक्ति के जो फीचर्स होते हैं, चेहरे के जो फीचर्स होते हैं, चेहरे की जो खूबसूरती होती है, वो कारक चंद्रमा होता है। चंचलता चंद्रमा देता है। देखा, आपने देखा होगा कि अभी कुछ लोग बहुत तेज़ी से चलते हैं, फास्ट मूव करने की आदत होती है उनकी, वो चंद्रमा उनका प्रभावशाली होता है। तो चंद्रमा अगर बहुत पावरफुल होता है तो उसके तेज चलने की आदत होती है। अगर कुछ आइटम्स की बात करें तो घोड़ा चंद्रमा का कारक होता है। जैसे अभी लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी एक सूर्य के बारे में कि किसी की साइकिल चोरी हो जाए या दो पहिया वाहन चोरी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सूर्य खराब हो रहा है। ये हमने चर्चा की, अगर आप लोगों को याद हो तो, उस क्या कारण था उसके पीछे। देखिए, ये भी जो हम चीज़ें ले रहे हैं ना, उसके पीछे भी रीज़न है ना। तो टू व्हीलर जो होता है, टू व्हीलर हो गया, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इसका कारक होता है चंद्रमा। जब हम पिछले लिटरेचर पढ़ते हैं, हमने बताया था ना कि आपको अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है ना, चीज़ों को उस रूप में देखना। क्योंकि घोड़सवार की जो पोस्चर होता है, जो बैठने का तरीका होता है ना, वही तो मोटरसाइकिल और साइकिल में होता है। तो जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल में बैठते हैं, वैसे किसी समय में घोड़े पे बैठा करते थे। जैसे पुराने समय में हम घोड़े की बात कर रहे हैं, वैसे आज के समय में उसका रूप बदल गया है। अब वो रूप जो हो गया, वो मोटरसाइकिल, स्कूटी या साइकिल के रूप में हो गया है। तो दो पहिया वाहन चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। लाख, एक लाख वाले से संबंधित आइटम जो होते हैं, वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है उसको। जो मोनूमेंट होते हैं, मोनूमेंट जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक जो होते हैं, वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा कारक ग्रह होता है उसका। शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कौन करता है शरीर का? अभी बात करी थी ना सूर्य, सूर्य शरीर का डेवलपमेंट कराता है। मतलब एक तरह से क्या होता है, पोषण कराता है। डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे, पोषण कराता है। पोषण करना शरीर का, वो सूर्य का काम है। और शरीर का विकास होना, वो चंद्रमा का काम है। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटे छोटे अंतर हैं इसमें। तो चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी इन चीज़ों की। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, है ना, क्योंकि इनिशियल लेवल पे कुछ ज़्यादा गंभीर हो रहा है विषय आपके लिए। कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक्यूरेट आपको जानकारी होनी चाहिए। सूती कपड़ा चंद्रमा का कारक है। उसमें भी, सूती कपड़े में भी वाइट कलर, वो चंद्रमा का कारक है। जल तत्व से संबंधित जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सब चंद्रमा के कारक होते हैं। जो गन्ना, गन्ने की खेती होती है, गन्ना होता है, वो चंद्रमा कारक होता है उसका। और शरद ऋतु, जो सर्दियों का मौसम होता है, वो चंद्रमा उसका कारक होता है। और विदेश यात्रा का प्रमुख कारक चंद्रमा है। वैसे तो अब विदेश यात्रा का कारक केतु भी बन चुका है, जैसे जैसे अगर, क्योंकि कुछ यात्राएं पेनफुल होती हैं, उसमें केतु वर्क करता है। और जो राजसी यात्राएं होती हैं, जो घूमने फिरने से मतलब होता है या फिर एंजॉय करने के मतलब की होती हैं वो यात्राएं, वो सब चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मनी, पैसे की अगर बात करें तो उसमें भी पैसा या रुपए या नोट, बेसिकली नोट या सिक्के, ये सब चंद्रमा में आते हैं। धन में लिक्विड मनी, जिसको कि कैश, कैश कहते हैं, कैश जो होता है वो चंद्रमा होता है। और ब्लड का कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि बहने वाला पदार्थ है, जल तत्व से रिलेटेड है। लेकिन इसमें भी अंतर अगर करें तो खून में जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो चंद्रमा होता है।
और आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, वो मंगल होता है उसका कारण। तो इसलिए जो रक्त का महत्वपूर्ण कारक बताया गया है लिटरेचर में भी, वो मंगल को ज़्यादा बताया गया है। चंद्रमा का कहीं जिक्र है नहीं। अगर पुराने अगर लिटरेचर देखेंगे तो वहाँ पे चंद्रमा को जल तत्व का मतलब ब्लड का से रिलेशन नहीं माना गया, केवल इतना ही माना गया है क्योंकि वो फ्लो होता है ब्लड का, इसलिए चंद्रमा से थोड़ा सा टच बताया गया है। लेकिन इसमें भी आज की डेट में अगर बात करें तो WBC जो होती है वो चंद्रमा से रिलेटेड होती है, RBC जो होती है वो मंगल से रिलेटेड होती है। ठीक है, महिलाओं में पीरियड्स की जो समस्याएं होती हैं मासिक धर्म की, वो चंद्रमा के कारण होती हैं। खून का जो फ्लो होता है, अभी जो बात कर रहे थे, खून का जो फ्लो होता है वो चंद्रमा उसका कारक होता है। एक प्राकृतिक रूप से जो नज़ारे होते हैं वो चंद्रमा उसका कारक होता है। स्विमिंग स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्विमिंग जो होती है वो चंद्रमा देता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ जनरल चीज़ें थी चंद्रमा के बारे में जो हमने आपसे डिस्कस करी। अब थोड़ा सा बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। कैसे जानेंगे कि चंद्रमा अच्छा है, ख़राब है या बहुत ख़राब है? जैसे हमने बात करी थी सूर्य वाले चैप्टर में, उसी तरह से हम बात करेंगे चंद्रमा वाले चैप्टर में। पहले हम जान लेते थे कि अच्छी स्थिति क्या होती है चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जिनका अच्छा होता है, वो जो दिल होता है ना उनका, वो दिल बड़ा प्योर होता है, शुद्ध हृदय होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो अच्छे दिल के इंसान होते हैं ऐसे लोग। भाइयों का साथ देते हैं, स्पेशली बड़े भाई को लेके, बड़े भाई के प्रति ज़्यादा सम्मान होता है इनके मन में, और उनका हमेशा जीवन भर साथ भी देते हैं, उनके अच्छे बुरे में हमेशा खड़े रहते हैं, और माता से विशेष स्नेह रखते हैं ऐसे लोग। माता को विशेष रूप से सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। और चंद्रमा के जो लोग होते हैं ना, उनका माता का जो स्वभाव होता है वही इनका भी स्वभाव होता है। माता का जैसे नेचर जो होता है इनकी मदर का, वैसा ही नेचर इनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, माता का विशेष कारक चंद्रमा को माना गया है। तो माता से रिलेशन इनका हेल्दी रिलेशन होते हैं माता से। विदेश यात्राएं खूब होती हैं इनके किस्मत में, और राजसी विदेश यात्राएं, जैसे अभी बताया ना कि घूमने फिरने वाली या मौज मस्ती वाली, एंजॉय करने वाली, इस तरह की यात्राएं इनके जीवन में खूब होती हैं। एक विशेष रूप से इनके घर में अगर देखें तो चांदी के बर्तन होते हैं। चांदी के बर्तन होना घर में, इसका मतलब चंद्रमा अच्छा है। इसके अलावा अगर देखिए, चंद्रमा जो बात का होता है ना, वो शिक्षा का कारक ग्रह चंद्रमा बताया गया है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो शिक्षा का कारक ग्रह चंद्रमा बताया गया है। तो चंद्रमा अच्छा है या खराब है, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान क्या होती है कि जो हमने शिक्षा ग्रहण करी है वो हमारे जीवन में यूटिलाइज होती है अगर चंद्रमा अच्छा होता है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं होता है तो वो विद्या हमारे जीवन में यूटिलाइज नहीं हो पाती। देखिए, अब दूसरे पक्ष में अगर देखें तो विद्या तो यूटिलाइज होती है, कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा होगा तो यूज़ तो करता ही है उसका। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना। आफ्टर 12th जो होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में काम आती है या नहीं आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और बिजनेस उसने दूसरा खोल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी विद्या काम नहीं आई ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा अच्छा नहीं जा रहा है। एक दूसरी बात क्या होती है, जब इनका जन्म होता है तो इनका जन्म अक्सर ये देखा गया है कि छत जो होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से मतलब ग्राउंड वाली फ्लोर पे नहीं होता इनका, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से होता है इनका जन्म। और आसपास कोई मंदिर भी होता है, इनके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर जरूर होता है जहाँ पे इनका जन्म होता है।
और अच्छा चंद्रमा अगर किसी का होता है तो उसके भाई जरूर होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भाई जरूर होगा। तो भाई का होना भी अच्छा चंद्रमा का होना दिखा देता है। इनके एक बहुत दूसरी एक बड़ी पहचान ये होती है कि घर में इनके चोरी नहीं होती, चोरी की घटनाएं नहीं होती, इनके घर में से कोई कुछ चुरा के नहीं ले जा पाता, तो चंद्रमा अच्छा होता है। और परिवार के प्रति थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, भावुक होते हैं, परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। ये तो चंद्रमा की पहचान होती है, सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा क्लोज फील करना, ये अच्छे चंद्रमा की निशानी है। और इनके अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में कोई ना कोई अध्यापक होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, जैसे पता है ना कि शिक्षा का कारक ग्रह होता है चंद्रमा, तो इनके परिवार में कोई ना कोई शिक्षक होता है जो अच्छे चंद्रमा वाले लोग हैं। और चावल खाने के बड़े शौकीन होते हैं ये, चावल खाना इनको प्रिय होता है जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता है उनको चावल नहीं खाते हैं वो, है ना। तो वही है कि थोड़ा सा बुध का प्रयोग आप करते रहें, विवेक का प्रयोग आप करते रहें, कि अगर बता रहे हैं कि चावल खाने के शौकीन अच्छे चंद्रमा वाले होते हैं तो चावल नहीं खाते हैं, इसका मतलब चंद्रमा खराब हो रहा है। एक देखिए, स्वास्थ्य का कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है। स्वास्थ्य का कारक होता है तो जो थोड़ा सा हेल्दी, या कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा बीमार नहीं रहते उनका चंद्रमा अच्छा होता है। एक और भी खासियत होती है, देखिए बीमारी की बात से ध्यान आया है कि जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे वाली बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत अच्छा चंद्रमा अगर होता है और वो कोई अगर बीमार व्यक्ति हो तो उसके अगर पानी पिला दें, पानी से भी ऐसे है कि उसके मुँह में अपने हाथ से पानी डाल दें बीमार व्यक्ति के, तो वो ठीक हो जाता है ना। बहुत किसी एक पुस्तक में भी, मैंने पुरानी पुस्तक में भी ये पढ़ा था, अब किस पुस्तक से लिया ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि पढ़ते हैं तो चीज़ें कहीं कहीं अनकॉन्शियस में वो सेट होती चली जाती हैं। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी पुस्तक में था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो सही होता है ऐसा। और बात कर रहे थे विद्या की, है ना। तो विद्या इनकी पूरी एक, देखिए शादी से इनकी विद्या का बड़ा रिलेशन होता है, इनकी जब तक एजुकेशन पूरी नहीं होती इनकी शादी नहीं होती है, शादी होने के तुरंत बाद इनकी मतलब विद्या पूरी होने के तुरंत बाद इनकी शादी हो जाती है जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। तो विद्या में किसी तरह का अवरोध नहीं आता किसी भी तरह का, ना तो फाइनेंशियली कोई क्राइसिस होती है, ना शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, इनकी विद्या या एजुकेशन पूरी होती है, अच्छी तरह से होती है, एक हेल्दी रूप में होती है। और इनका जो जीवन साथी भी होता है वो देखने में सुंदर होता है, ये खुद भी सुंदर होते हैं देखने में, और इनका जीवन साथी भी जो होता है वो देखने में सुंदर होता है। इनके परिवार में कोई ना कोई डॉक्टर या नर्स होता है, नर्स या डॉक्टर से कोई ना कोई इनके परिवार में कोई टच होता है। और फाइनेंशियली जैसे कि बताया है कि ये लिक्विड मनी का कारक होता है चंद्रमा, ऐसे ही पैसे की इन लोगों को कमी होती नहीं है, चाहे बैकग्राउंड कैसी भी हो सकता है कि जब उनका जन्म हुआ हो तो फाइनेंशियली इतनी अच्छी पोजीशन ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाते हैं ये। एक जैसे अभी बताया था ना कि घर में चांदी के बर्तन होते हैं, है ना, तो अब तो रूप बदल चुका है, तो हो सकता है कि चांदी के बर्तन ना हो क्योंकि अब इतने यूटिलाइज होता नहीं है, तो लोग लेना भी कम पसंद करते हैं, तो चांदी का कोई ना कोई आइटम उनके घर में होता है, तो या तो चांदी के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के ज़्यादा देखे गए, बर्तन वाली चीज़ें अब इतनी फिर मतलब सही नहीं बैठती हैं जितना कि चांदी के सिक्के वाले बैठते हैं, तो चांदी से मतलब है चांदी के सिक्के होना भी एक अच्छा चंद्रमा का
जो पहचान होती है। इनके घर में, अच्छा जैसे चांदी के सिक्के की बात हुई ना, कि तो गंगा जल जो होता है या तीर्थों का जल जो होता है वो भी चंद्रमा होता है। तो इनके घर में गंगा जल होना या तीर्थों का जल होना, ये एक ज़्यादा नहीं लेकिन लिमिटेड, ज़्यादा होना तो खराब कर देगा चंद्रमा, बहुत ज़्यादा है ना। तो चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो गंगा जल या तीर्थों का जल इनके घर में होता है, किसी तीर्थ का जल होता है। तो ये तो वैसे एक कॉमन सी बात है, अगर हिंदुओं के घरों में देखें तो गंगा जल अक्सर मिल जाता है, तो क्योंकि पुराने लिटरेचरों में कहीं लिखा होता है ये, ऐसा तो लिखा हुआ है तो इसलिए चर्चा हो रही है। या देखिए, गंगा जल जो पहले हमारे जो कस्टम्स थे ना, वो भी इसी तरह से फॉलो हुआ करते थे, जैसे कि गंगा जल घर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपका चंद्रमा अगर अच्छा करना है तो आपके घर में गंगा जल होना चाहिए, तीर्थ का जल होना चाहिए, तो इससे चंद्रमा खराब नहीं होता। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमें कस्टम्स में ये चीज़ें हैं कि पवित्र जल घर में होना चाहिए जिससे कि चंद्रमा खराब ना हो। एक देखिए, धर्म का कारक ग्रह भी चंद्रमा होता है। धर्म की अगर बात करें, जैसे कि चंद्रमा जिनका अच्छा होता है ना, तो वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन अपने धर्म को फॉलो करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान तो करते हैं लेकिन अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो किसी तरह का दिमाग में दूसरे धर्म के प्रति इनको द्वेष भाव नहीं होता। तो इसका मतलब होता है कि चंद्रमा अच्छा होता है। और रात्रि में अच्छी नींद लेते हैं। अरे एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो दिन में पढ़ने वाले और रात में पूरी नींद लेकर सोने वाले, जैसे रात में पढ़ने की इनको आदत नहीं होती है, रात में बैठ के नहीं पढ़ पाते। अर्ली इन द मॉर्निंग कितने भी बजे उठ जाएं, ये 4 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन रात में इनको नींद हावी हो जाती है, ये पढ़ नहीं पाते रात में। और ये है, तो ये तो अच्छे चंद्रमा वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं जब चंद्रमा खराब होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। अगर चंद्रमा खराब होगा किसी का, तो एक बड़ी पहचान जो होती है वो ये होती है कि इनकी माता चंद्रमा और उनका नेत्र चंद्रमा है, तो माता का नेत्र इनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, माता के नेत्र में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा खराब होता है इनका, ये बहुत बड़ी पहचान होती है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा खराब है। और सर्दी जुकाम एलर्जी ये जल्दी हो जाता है इनको। घर में इनके जली हुई प्रेस रखी हो या ख़राब मिक्सी रखी हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा खराब हो रहा है, ये एक बड़ी पहचान होती है। मिक्सी जो होती है, मिक्सी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, ये चंद्रमा इसको रिप्रेजेंट करता है। और भाइयों से, जैसे इसमें बताया था ना कि अभी भाइयों से उसको बड़ा सम्मान करते हैं, तो ऐसी जब खराब होता है चंद्रमा तो परिवार से या भाइयों से इनकी अनबन होती है या अच्छा रिलेशन नहीं होते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। शिक्षा में रुकावट होती है, कोई ना कोई कारण होता है कि इनकी एजुकेशन बीच में रुकती ज़रूर है। एक बार अगर कुंडली में भी खराब चंद्रमा अगर आप देखते हैं ना एट ए ग्लांस, तो आप ये समझिए कि उसको कहीं ना कहीं एक बार तो शिक्षा में रुकावट आती है, जैसे कि इन जनरल आप कह सकते हैं कि आप फेल हो गए थे किसी क्लास में, या उसी क्लास में आपको दोबारा पढ़ना पड़ा, या फिर किसी एजुकेशन में किसी तरह की कोई रुकावट आ गई थी। तो एजुकेशन में रुकावट तो आई जाती है, अगर खराब चंद्रमा का मतलब ये होता है। दूसरे क्या होता है कि इनका माता से इनका बनती नहीं है, माता से इनका झगड़ा होता रहता है।
एक और चीज़ ये है कि इनके घर के स्कूल के पास कोई ना कोई बच्चों का स्कूल जरूर होगा, अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो, है ना। घर में अगर अभी जब अच्छे की बात कर रहे थे इसलिए ध्यान आ गई हमें, तो अगर अच्छा होगा तो घर के पास में कोई ना कोई स्कूल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है कोई, तो इसका मतलब अच्छा है। चलिए खराब की बात करते हैं पहले। तो बात कर रहे थे माता से संबंधित, है ना। तो माता से अनबन होती है, माता से झगड़ा होता रहता है, या फिर एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या फिर एक बच्चा कहीं और रह रहा है, माता कहीं और रह रही है, इस तरह से रहता है। तो माता का बहुत ज़्यादा सानिध्य इनको नहीं मिल पाता। एक प्रवृत्ति इनकी जो होती है वो कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, और धन से संबंधित कैश कैश की बात करें तो थोड़ी सी क्राइसिस बनी रहती है, इनके जेब में पैसे रुक नहीं पाते, आए और खर्च हुए। ये घर जेब में पैसे कम रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पैसे आते ही इनके खर्च होने हैं, तो इसका मतलब है खराब है चंद्रमा। और देखिए एक और बहुत बढ़िया बात बताएं आपको, जिनका चंद्रमा खराब होता है ना, वो बनियान अपनी फटी हुई पहनते हैं, फटी हुई बनियान पहनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फट जाती है इनकी बनियान, तो कुछ इस तरह का योग होता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी फ्लुएंसी नहीं होती कम्युनिकेशन में। देखिए वैसे तो कम्युनिकेशन का कारक होता है बुध, है ना। अगर बुध खराब होता है तो होता है व्यक्ति हकलाता है, हकलाने की आदत होती है, और चंद्रमा जब रोल प्ले कर रहा होता है तो व्यक्ति रुक रुक के बोलता है, मतलब अपनी एक बात कह दी फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर उन्होंने एक बात कह दी, है ना। तो इस तरह से चंद्रमा का एक सिम्टम्स होते हैं। ये क्यों होता है, ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अभी जो हमने बात करी ना, तो जब आदमी बोलता है तो वाणी का जो बेस होता है या वाणी की उत्पत्ति जो होती है वो विचारों से ही तो होती है। जो हमारे दिमाग में विचार होते हैं वो हम वाणी पे लाते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हमारी जुबान से निकलते हैं। इसलिए जब ये बोल रहे होते हैं ना, तो इनके विचारों में कहीं ना कहीं जर्क होता है या गैप होता है, फ्लुएंसी नहीं होती विचारों में। तो जब ये बोलते भी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अवरोध आते हैं, तो बोलते समय भी ये रुक रुक कर बोलते हैं। तो चंद्रमा इसका मतलब ये है कि अच्छा नहीं है, खराब है अगर रुक रुक के बोलते हैं तो ये। और माता और पत्नी में आपस में बनती नहीं है, इनकी माता में और पत्नी में। और एक और भी बात है कि जब तक घर में झगड़े चलते रहेंगे माँ के और पत्नी के, तब तक इनके घर में पैसा टिकेगा नहीं, पैसे से को लेके क्राइसिस बनी रहती है, और कहीं ना कहीं नुकसान भी होते रहते हैं पैसे को लेके। और जैसे बताया ना कि चंद्रमा अगर अच्छा हुआ तो इनके घर के पास स्कूल होगा, और चंद्रमा अगर खराब होगा तो इनके घर के पास में कोई ब्यूटी पार्लर होगा, शुक्र प्रधान, कोई ना कोई ब्यूटी पार्लर होता है। तो चंद्रमा जो होता है वो नजर नजर बहुत जल्दी लगती है इनको, अगर खराब होगा चंद्रमा तो नजर बहुत जल्दी लग जाती है। छोटे बच्चों को भी लगती है ना, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित करता है छोटे बच्चों को, क्योंकि अभी जैसे बताया 70% के आसपास उनके जल शरीर में जल तत्व होता है, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो ऐसे ही बड़े भी अगर होते हैं और चंद्रमा ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता है तो नज़र जल्दी लगती है ऐसे लोगों को। और इनमें एक आदत और भी होती है कि जब चंद्रमा खराब होता है तो पैसे को बार बार गिनते हैं, जो
पैसा होता है उसको गिनने की आदत होती है। शायद आपने सुना हो एक इन जनरल जैसे बात करते थे पहले बड़े बुजुर्ग कि पैसे को बार बार गिनते नहीं हैं, है ना, कम हो जाते हैं बार बार गिनने से। तो एक परंपरा रही थी कि पैसों को ज़्यादा गिनना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी जो आदत होती है वो पैसे को बार बार गिनने की होती है क्योंकि चंद्रमा इनका अच्छा नहीं होता है। और जैसे सूर्य वाली जो स्थिति थी, सूर्य में बताया गया था कि काम को ये जल्दी जल्दी बदलते हैं अगर सूर्य खराब होता है, स्थायी स्रोत नहीं होता है या काम को बदलते रहते हैं, ऐसे ही चंद्रमा जब खराब होता है तो ये भी काम को बदलते रहते हैं। परिवर्तन का कारक होता है ना चंद्रमा, तो वैसे भी तो काम को बदलते रहते हैं ये। और चंद्रमा एक जनता का भी कारक होता है, जनता का तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सोसाइटी के सानिध्य का, सोसाइटी के प्रेम का कारक होता है। आपके जो सोसाइटी होती है आसपास की वो आपसे कितना सानिध्य रखते हैं इसका भी कारक होता है। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती अगर चंद्रमा खराब हो रहा हो तो। और एक भूलने की बहुत आदत होती है इनको क्योंकि विचार पे कंट्रोल नहीं होता इनका, जो विचार होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता तो सामान रख के ही भूल जाते हैं, तो भूलते रहते हैं। और जैसे कि अभी बताया था अच्छा चंद्रमा जो होता है वो दिन में पड़ते हैं, ऐसी ख़राब चंद्रमा जो होता है वो रात में पड़ते हैं। जैसे अच्छा चंद्रमा वाले चावल खूब खाते हैं, ऐसी ख़राब चंद्रमा जब होता है तो चावल नहीं खाते हैं। जैसे कि अच्छा चंद्रमा अगर होता है तो चांदी के सिक्के होते हैं, और ख़राब चंद्रमा अगर होगा तो घर में मोतियों की माला होती है, टूटी हुई माला होती है मोतियों की। तो ये ख़राब चंद्रमा की भी पहचान होती है, अगर किसी घर में टूटी हुई माला अगर है मोतियों की तो इट मीन्स कि चंद्रमा ख़राब है। और देखिए एक ये जो होता है ना ख़राब चंद्रमा वालों की जो शादी होती है ना वो सोमवार बुधवार या शुक्रवार को होती है, सोमवार बुधवार या शुक्रवार को उनकी शादी होती है। तो ये भी एक ख़राब चंद्रमा का सिम्टम्स होता है या एक तरह से एक पहचान होती है। और अच्छा ये कुछ ना इनमें वहम टाइप का होता है, वहमी टाइप के होते हैं ये लोग। कैसे, जैसे कि बार बार चेक करने की आदत होती है चीज़ों को, जैसे कि लॉक लगा दिया फिर बार बार चेक कर रहे हैं लॉक लगाया कि नहीं लगाया है, गैस बंद कर दी बार बार चेक कर रहे हैं गैस बंद कर दी कि नहीं कर दी, है ना। तो कहीं की कुंडी लगा दी, लॉक लगा दिया कहीं का, या दरवाज़ा बंद कर दिया तो बार बार चाहेंगे सोने से पहले चेक करके आएंगे कि हमने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, ख़राब हो रहा है चंद्रमा, इसका मतलब है ना चंद्रमा ख़राब है। और आपने कुछ लोग देखे होंगे ना कि जैसे जब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो कोई अखबार लेके जाना या सिगरेट पीना या मोबाइल का यूज़ करते हैं, ये चंद्रमा ख़राब हो रहा होता है, इससे ख़राब चंद्रमा की निशानी होती है ये कि अगर आप टॉयलेट में कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया खराब चंद्रमा। एक अच्छे चंद्रमा की हम बात करें, एक खराब चंद्रमा की बात करिए, अब बात करते हैं ज़्यादा खराब की। अगेन मैं बताऊँ आपको कि जो भी स्थितियाँ होती हैं ये लाइफ टाइम नहीं होती हैं। वैसे अगर बात करें चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, लेकिन ये जो खराब वाली जो स्थिति होती है या बहुत ख़राब वाली स्थिति होती है लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, टाइम टू टाइम होती है। तो केवल आपको ये देखना है कि इस समय आपकी खराब ज़्यादा ख़राब वाली जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, आपको केवल ये देखना है कि अभी तो कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, एट प्रेजेंट तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है ना। तो जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्थाई प्रॉब्लम है या ये अस्थाई प्रॉब्लम है।
इसमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं अधिक खराब की। अधिक खराब का मतलब विचारों का काराग्रह होता है चंद्रमा। विचारों पे इन किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से पागलपन वाली स्थिति जो होती है वो ज़्यादा खराब चंद्रमा देता है। जब सबसे खराब जो स्थिति होती है वो पागलपन ही होती है, डिप्रेशन होता है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली स्थिति जो होती है वो चंद्रमा देता है ना। मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं वो चंद्रमा के कारण होते हैं, और संतान के समय पे इनका या पहली संतान जब होती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं इनके जीवन में। और घर की अगर बात करें, घर में जो सामान होता है उसमें टूटी हुई घंटी होना ज़्यादा खराब हो रहा है चंद्रमा। टूटी हुई केतली होना, केतली जो होती है ना कारक, केतली कौन सी है? आपने देखा होगा पिछले समय में, मतलब अगर किसी ने अगर देखा हो तो एक गंगा सागर का नाम सुना हो आपने या केतली का सुना हो। इसमें क्या होता है कि एक नली होती है बर्तन में, जग टाइप में एक नली होती है, जो वो शेप होती है ना वो चंद्रमा से संबंधित हो जाती है। ये चंद्रमा है, तो घर में टूटी हुई केतली का होना खराब, ज़्यादा खराब हो रहा है चंद्रमा। और घर में देखिए एक शिवलिंग का घर में होना ज़्यादा खराब चंद्रमा की पहचान होती है। शिवलिंग का एक इन जनरल भी अगर बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो वहाँ निषेध बताया गया है घर में शिवलिंग रखना। तो ज़्यादा खराब जो स्थिति होती है चंद्रमा की वो ये होती है कि घर में शिवलिंग होता है, सर्प की कोई आकृति होती है, सांप की शेप में कोई आकृति होती है, जैसे तांबे का सांप हो या चांदी का सांप हो, ये एक घर में होना बहुत ज़्यादा खराब चंद्रमा। जो लोग पशु पालते हैं जैसे गाय बकरी इस तरह से जो लोग पालते हैं, उसमें दुधारू पशु का मर जाना ज़्यादा खराब चंद्रमा है ना। चंद्रमा खराब जा रहा है या खराब स्थिति आने वाली है। और आत्महत्या का काराग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं बार बार आत्महत्या के ख्याल आना ज़्यादा खराब चंद्रमा है। और जैसे अभी बात करी थी अच्छे चंद्रमा में कि पढ़ाई इनकी यूटिलाइज होती है, इसलिए खराब अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होगा तो इनकी पढ़ाई का इनका जीवन में उपयोग नहीं हो पाएगा। तो खराब चंद्रमा है, ज़्यादा खराब चंद्रमा। ऐसे लोग के मन में ना कोई बात पचा नहीं पाते हैं उसको। अगर कोई इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई गुप्त बात पता चल जाए, तो उसको ये सबको बता देते हैं, है ना। ये खराब चंद्रमा होता है। तो या कहते हैं कुछ लोगों की आदत होती है इधर की बात उधर करने वाला, ज़्यादा खराब हो रहा है चंद्रमा। एक जैसे बात करी थी चंद्रमा अच्छे में पत्नी सुंदर होती है, वैसे इनकी पत्नी सुंदर नहीं होती है या पति सुंदर नहीं होता है। अगर महिला की बात करें तो उसका पति सुंदर नहीं होगा और या जीवन साथी सुंदर नहीं होगा, और जीवन साथी इनको अपमानित करते रहते हैं समय समय पे। तो ये ज़्यादा खराब चंद्रमा की पहचान है। किसी ना किसी विधवा स्त्री से इनका प्रेम संबंध होता है, और नींद की दवाइयाँ खाने का आदि होता है। और एट ए ग्लांस अगर देखें तो 24वें साल में इनकी शादी होती है, और कहीं ना कहीं शादी की वजह से इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। और चौथे साल, 8वें साल, 12वें साल और 24वें साल इनकी माता को कष्ट होता है। एक पानी से थोड़ा सा इनको भय होता है,
जैसे पानी में से संबंधित कोई इनका हादसा होता है इनके जीवन में, घर में बंद कुएं का होना ज़्यादा खराब चंद्रमा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि पटवा देते हैं कुएं को, कुआं घर में होता है उसको पटवा देते हैं, तो ये ज़्यादा खराब चंद्रमा है। और जैसे 24वें साल की हमने बात करी, या 36वें साल में, 24वें या 36वें साल में माँ की आँखों से संबंधित परेशानी होना या उनको ऑपरेशन होना आँखों से रिलेटेड, ये ज़्यादा खराब चंद्रमा है। और एक और पहचान बताएं आपको कि घर में कोई ना कोई चक्की पड़ी हो खराब, चक्की जैसे जिस पे गेहूं पीसा करते थे पहले, चक्की के पार्ट, चक्की का कोई पार्ट पड़ा हो घर में अनयूज्ड, तो इसको ज़्यादा खराब होता है चंद्रमा। या लेटा हुआ कोई पत्थर पड़ा हो, देखिए खड़ा पत्थर और लेटा पत्थर दोनों में अंतर है। खड़ा पत्थर का मतलब हो गया बुध, खराब बुध, और लेटा हुआ पत्थर अनयूटिलाइज, खराब चंद्रमा। और बुध का पत्थर जो खड़ा हुआ होगा वो चौकोर होगा, चौकोर शेप में, लगभग लगभग आयताकार हो या चौकोर हो। और ये वाला जो पत्थर होता है ये लगभग लगभग गोल सी शेप में होता है, या तो पूरी तरह से गोल हो या कुछ कुछ गोल की शेप में हो, तो ये खराब चंद्रमा की स्थिति होती है। और रोग की अगर बात करें तो इनके लंग्स में पानी का भर जाना, इससे संबंधित समस्या होना, या इनकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक का आना, ये खराब चंद्रमा की निशानी है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा जब खराब होगा, चंद्रमा जब अच्छा होगा, और चंद्रमा जब ज़्यादा खराब होगा, तीनों स्थितियां हमने आपको बताई। तो जब भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए करेंगे। और ये एक इसलिए भी थोड़ा सा यूज़फुल हैं ये चीज़ें, कि कभी किसी की अगर जन्म पत्री आती है आपके सामने और उसको टाइम कंफर्म नहीं होता है, तो इन घटनाओं के आधार पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, तो उनकी जन्म पत्री को भी आप सही कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली ये सब बताया जा रहा है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो कुछ, अगर कुछ चीज़ें जो सुधार हो सकता है वो हमें करना चाहिए। अगर मान लीजिए बता रहे हैं चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यही बात करी कि रात्रि में इनको पढ़ने का थोड़ा सा आदत होती है, तो कोशिश करें कि रात्रि में ना पढ़ें, रात्रि में सोएं और दिन में पढ़ें, तो चंद्रमा अच्छा ऑटोमेटिकली होता है। एक देखिए चंद्रमा खराब वाले, एक लेट के टीवी देखने की आदत होती है इनको, लेट के टीवी देखने का मतलब चंद्रमा खराब है। कोशिश करें बैठ के टीवी देखने का, लेट के ना देखें, तो ये खराब चंद्रमा की स्थिति होती है। तो कुछ चीज़ों को हम सुधार सकते हैं, उनको हमें सुधारना चाहिए। कोई आपके परिचय में है, परिवार में है जो लोग, और आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी इस आदत की वजह से उनका कोई ग्रह खराब हो रहा है, तो उसको उनको थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए, ये कह के कि वो चीज़ों को चेंज करें, तो उससे भी कुछ ग्रह खराब जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अगले बात करेंगे हम अगले एपिसोड में मंगल की, मंगल से संबंधित कुछ इसी तरह की बातें करेंगे। और ठीक है, नमस्कार।